मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। प्रेम संबंध में पति ने प्रेमिका के साथ मिलकर अपनी 3 साल की बेटी और पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। मामला है मुंबई के माहिम इलाके के डायमंड अपार्टमेंट का। डायमंड में रहने वाले लोग ये सुनकर हैरान रह गए कि बेटी और पत्नी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी के पति ने की है। ये घटना गुरुवार को हुई है। घटना के बाद ये दोनों फरार हो गए थे, मगर जब ये पुलिस के हिरासत में आए तो सारा राज उगल दिया। मामला था अवैध संबंध का, किसी और ने नहीं बल्कि उसी के पति ने की है। ये घटना गुरुवार को हुई है। घटना के बाद ये दोनों फरार हो गए थे, मगर जब ये पुलिस के हिरासत में आए तो सारा राज उगल दिया। मामला था अवैध संबंध का। एडिशनल कमिश्नर रविंद्र सिसवे ने बताया कि दोनों ने जुर्म कबूल किया है। आरोपी इलियास सैयद और आफरीन बानो में नाजायज संबंध थे, जिसकी वजह से इलियास की पत्नी से रोज झगड़े होते थे। इसी वजह से इलियास और उसकी प्रेमिका आफरीन बानो ने पत्नी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक आफरीन ने पहले इलियास की पत्नी के मोबाइल से अपने इलियास को आत्महत्या करने का मैसेज भेजी, जिस सबको इनकी मौत आत्महत्या लगी। इसके बाद इलियास और उसकी प्रेमिका आफरीन ने मिलकर पत्नी तहसीन और 3 साल की बेटी आलिया का गला काटकर हत्या कर दी, जबकि 5 साल की बड़ी बेटी समायना स्कूल जाने की वजह से बच गई। हत्या करने के बाद शवों पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर फरार हो गए थे। फिलहाल जिस तरह से अवैध संबंध में इलियास ने अपनी पत्नी और मासूम को मार डाला, अवैध संबंध के गिरफ्त में अगर कोई भी आता है तो उसका अंजाम इसी तरह से भयावह होता है। फिलहाल 30 वर्षीय इलियास और उस सेल्स गर्ल्स का काम करने वाली प्रेमिका 23 वर्षीय आफरीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो अब सलाखों के पीछे है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।